छोड़ के तुमको किधर जाए, हम तो तेरे बिन मर जाए। हो जी करता कुछ कर जाए, प्यार में हद से गुजर जाए। हम वो नहीं जो डर जाए, वादा करके मुकर जाए। इस प्यार का तकरार का चाहत का है अपना मजा। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये कैसा नशा है। तुमसे दिल लगाने की सजा है, अय्या तुमसे दिल लगाने की सजा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो जो है ना, आपकी धड़कन को हिला के रख देगी। आपको लगेगा कमाल का वीडियो लाए हो, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जो 67 क्रैक करने की तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां रह रही हैं। ये उनके लिए जो 68 में अपनी जान की बाजी लगाने वाले हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, छोटा होगा लेकिन कमाल का वीडियो होगा। दोस्तों घटनाचक्र की सीरीज आप जानते भी होंगे। एक घटनाचक्र पूर्वावलोकन आता जो आपके टेबल पे ही होगा, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खा बात इसकी चल रही है, ये भी है, जिसमें बिहार में अब तक जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो साइंस का हो, इकोनॉमी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, मैथ्स का हो, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता। आप जानते भी होंगे इस बुक को। अगर ये बुक आपके टेबल पे नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए, और साथ साथ में पूर्वावलोकन। दोस्तों एक बात आपसे शेयर करता हूं, आप पूर्वावलोकन को लाते हो एकदम दिल से समझना। लाने के बाद स्टार्टिंग का पेज बड़ा खूबसूरत होता है, उसके बाद उलटते हो 10-15 पेज आप लगातार बढ़िया से पढ़ते हो। नो डाउट, पढ़ती नहीं हो, समझ के पढ़ते हो। उतना ही नहीं, हाथ में पॉइंटर रहता है जो कलर करते हुए आगे निकलते जाते हो। उसके बाद का पेज तो सब ब्लैंक रह जाता है। उसके बाद तो आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, यह भी एक कंफ्यूजन का विषय बन जाता है, और यह आपके साथ हो रहा है, मानो या ना मानो मेरी बात। जबकि यह बुक ऐसा है कि कम से कम जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हो, कम से कम पांच बार इसको खंगाल लो, और खंगालो नहीं, पढ़ो पढ़ने के लिए नहीं। कभी पढ़ो पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ो जीने के लिए, जीने के लिए। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग धड़कन में बैठेगी ना कि पढ़ाई जीने के लिए पढ़ना है, बाय गॉड जिंदगी में कमाल हो जाएगी, और उसी दिन आपके अंदर सुनामी एंट्री करेगी। मेरे कहने से सुनामी कभी नहीं जीवन में आ सकती है, कभी नहीं आ सकती है। आप जहां कहो मैं लिखवा के रख देता हूं, सुनामी तब एंट्री करेगी आपकी जिंदगी में जब यह एहसास कर लो अपनी आपके अंदर कि पढ़ना है जिंदगी जीने के लिए। बस इतना कर लो, सुनामी अंदर आ जाएगी। उसके बाद इस दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं खुदा ने लगाया है जो आपको रोक के दिखा दे, और आपका रिजल्ट आएगा, यकीन मानो। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो है आपसे शेयर करता हूं, आपको अच्छा लगेगा। जब आप घटना चक्र लेते हैं, ऐसे तो ये 2022 का है, अगर किसी के पास 2020 का है तो प्लीज, अगर नहीं भी पढ़े तो उसको साइड कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है, हटाइए, एकदम हटा दीजिए। मानते हैं अभी आपका नया ही है, कहीं ताखे पे रखा हुआ था, मेरे कहने के बाद वो निकल के बाहर आया है, अभी भी चकाचक लग रहा है, फिर भी उसको हटा दीजिए। आप ऐसे दोस्त को उसको दे दीजिए जिसको चाहते कि वो सिलेक्ट ना हो, वो आराम से हो जाएगा। हां आराम से हो जाएगा। जाइए मार्केट 2022 का खरीद के लाइए। सुजीत सर घटना चक्र वाला कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। आप फोन करते हो तो मैं रिसीव ही नहीं करता हूं, मुझे क्या पता उसका कौन सा फोन नंबर है, कौन को, और वो अपने आप में एक ब्रांड है, मुझे कोई क्यों देगा। इसलिए ये ख्याल आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो उसको साइड कर लीजिएगा।
मुझे ख्याल है सिर्फ आपके सपनों का, बस उसके लिए कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। इस जमाने में किसी के लिए नहीं, सच बताऊं आपके लिए भी नहीं। नहीं, जो भी यहां से करता हूं, जो भी सुनामी भरता हूं, आपके लिए कभी नहीं भरा हूं। ये गलत फहमी में मत रहना, बाहर निकलो इससे। मैं सिर्फ आपके बच्चों के लिए करता हूं, जिस बच्चे को आप उतनी परवरिश से पाल नहीं पाते हो, देखने का समय नहीं मिलता है। मैं बैठ के आपके बच्चों को देखता हूं, पालता हूं, उससे बातें करता हूं और फिर यहां से सुनामी डालता हूं, ताकि काश आप अपनी जिंदगी में ले जाओ और कमाल हो जाए। फिर आपका बच्चा जिसके लिए आया इस दुनिया में वो अमर हो जाए, यानी आपका सपना पूरा हो जाए। आप सबसे पहले नया में लेके आओ पूर्वावलोकन सारे सब्जेक्ट का। हाँ, सारे सब्जेक्ट में एक चीज ध्यान रखी, कई बार मैं देखा हूं कई टीचर को बोलते हैं मात्र दो तीन लोग घटना चक्र, क्यों दो तीन में सुनो क्या क्या बताते हैं। पहला हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी का बोलते लेने के लिए, उसके बाद एक साइंस का बोलते लेने के लिए, बाकी किसी का नहीं बोलते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं आप हिस्ट्री का लीजिए, तीनों रहेगा उसमें कंपाइंड, हिस्ट्री मॉडर्न भी रहेगा, मिडाइबल भी रहेगा, एंशिएंट भी रहेगा। साइंस का लो तीनों, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का लो, पॉलिटी का लो, इकोनॉमी का लो, इसके सिवा एक भी ना लो। पांच तो कम से कम रहना चाहिए और पांचों को पांच बार पढ़ जाओ। जब पढ़ो ना तो ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसी को उठा के हूबहू डाल देगा आयो, तो जग हंसाई होगी। 67 में हो रही थी, अगर एग्जाम हो जाता, अगर पेपर लीक नहीं होता, तो कम से कम 60% क्वेश्चन तो घटना चक्र का ही उठा, ज्यादा था कम नहीं था, एकदम जीरोक्स उठाकर डाल दिया। हद मजाक है, ऐसा कोई मजाक करता क्या, ऐसा कोई मजाक करता है। लेकिन खैर, अगर आयोग कर रहा है तो मुबारक हो। तो एक चीज तो यहां यह ध्यान रखना है, दूसरी बात उसके बॉक्स में जो है कंसंट्रेशन हमेशा उस बॉक्स पे है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन है और नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन पूरा बना हुआ है, यानी जितना भी उसमें टर्म है सारा वो क्वेश्चन से टच करने वाला, सारा हर एंगल से। अगर उस टॉपिक से उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ देगा, ऑप्शन बदलेगा, क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन करेगा, तो ये बॉक्स से ही उठा के निकालेगा। इसलिए इस बॉक्स को अपने दिमाग के बॉक्स में ले जाके डाल दो, तब पढ़ा हुआ सार्थक है, वरना टाइम पास ना करो। आपसे अच्छा तो रेलवे, SSC, हाईवे, ये सब जो जनरल कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट है वो आपसे अच्छे हैं, बैठते हैं और 130 के पास क्रॉस करवा देते हैं। आप बैठते हैं 100 नंबर लाने में आपकी औकात आपके हाथ में आ जाती है। आपने किया क्या, क्या किया बताओ ना। लग रही होगी दर्द, सुई सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, तो क्यों ना बोलूं, कब सपना पूरा करेंगे। 2022 अंतिम मुकाम में जा रहा समाप्त होने के कगार पे, 2023 आके तांडव करेगा। बाबूजी घर से बोलेंगे बेटा हुआ, बिटिया हुआ, शर्मा जी के परिवार में एक अच्छे से लड़का ढूंढ के लाए जो आपके लिए गधा के समान है, गधा के समान है। शादी तो हो जाएगी, पहले दिन के लिए आप राजकुमारी बनोगी स्टेज पे, उसके बाद जीवन भर नौकरानी बनोगी। लिखवा के रख लो हमसे, अगर ना हुआ तो मैं अपना नाम मिटा दूंगा। जीवन भर नौकरानी बनोगी, अगर नौकरानी बनने से थोड़ा सा कतराओगी तो फिर यह चलेगा और वो लगाएगा आपको और कुछ नहीं सोचेगा। क्यों, क्योंकि आप बेरोजगार हो, वो रोजगार है, वो कमा के खिला रहा, आपने उसको खिला रही हो। जूते का फीता भी आप ही से बनवाएगा और ऑफिस आने के बाद मौजा भी आपसे खुलवाएगा, अगर ना खुलवाए तो मेरा नाम बदल देना। हद की बात है, सिविल सर्विसेज में जो लड़की 2-3 साल समय गुजारी वो जाके किसी गधे का जूता का फीता खोल रही है, शर्म की बात है। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई शर्म नहीं है। इसके लिए आए थे और अगर इसी के लिए आए थे तो आप की क्या। ऐसे हजारों क्वेश्चन जिंदगी आपसे पूछेगी, मुझे गाली दे सकती हो, मुझे बुरा भला जितना चाहो बोल सकती हो, इसको बोल के देख लो औकात हाथ में आ जाएगी। यहां बोलो, एक बार बोलो तो इसको सही। और आप भी जो हैं, आपको भी कोई अच्छी सी राजघराने की बहू नहीं मिलने वाली है, आपको भी बेकूफ लड़की मिलेगी जो गांव देहात की उठ के आएगी, जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा सिवाय खाने के और बढ़िया से रहने के। ना तो किसी परिवार में जाएगी तो ढंग से बात करेगी, आते ही सबसे पहला उसका एक लक्ष्य होगा कि सबसे पहले इस बूढ़ा और बूढ़ी को अलग कर दो बेटे से, क्योंकि तांडव यही दोनों मचा रही है, और अपने मां बाप को लाके आप में चिपका देगी
आपके मां बाप बेगाने हो जाएंगे। जमाने में हो रहा है, जाके देख लो। रेलवे हाईवे की नौकरी करने वाला जिसको 40,000-50,000 तनख्वाह मिलता है, अपने बाप को छोड़ दिया है, अपने भाई को दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर दिया है। वही भाई जो खराब परिस्थिति में दाल और चावल जाके प्रयागराज पटना मुखर्जी नगर में पहुंचाता था, आज वो रेलवे हाईवे में चला गया तो उसको छोड़ दिया। शर्म की बात है ऐसी नौकरी, आग लग जाए, बर्बाद हो जाए ऐसी जिंदगी, शर्म की जिंदगी है ये मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। अगर ये जनरल कॉम्पिटिशन वाले आपको टच कर जाते हैं, क्या आपके पास भेजा नहीं है क्या, फ्राई करने भेजे हैं? आप भी लग जाओ ना, आप भी घटना चक्र को उखाड़ दो, उखाड़ दो, पाई पाई उखाड़ दो। अरे अगर वो 120 ला रहे हैं तो 130 लाने की दम रखो, लगा दो इस बार आग, आग लगा दो। वो क्यों लेके जाएंगे रिजल्ट, हम क्यों नहीं ले जाएंगे? हमारा मेंस भी तैयार है, हम तमाशा बना रहे हैं बैठ के प्रयागराज पटना मुखर्जी नगर में, जमाने को बोल रहे हैं कहां है बेटिया, मुखर्जी नगर में गई है तैयारी करने बीपीएससी की, कहां है बेटिया, सियोर सक्सेस में गई है, सुजी सर पढ़ा रहे हैं, अब डायरेक्ट एसडीएम बनाएंगे, सोचो। और जब लौट के जाओगी तो वही शर्मा चाचा बोलेंगे कहां है बेटिया, घर में चाय बनवाने बेटिया से। सोच लेना, ये हजारों बात आपके ऊपर लगने वाली है, ये सच बोल रहा हूं। इसलिए ईमानदारी के साथ में इसको पढ़ लो, अभी भी मौका है घटना चक्र के सारी सीरीज को। इवन अगर करंट भी आता है ना तो इसका कमाल का करंट रहता है, सही बता रहा हूं। लिमिटेड बुक पढ़ो, अनलिमिटेड नंबर नहीं आया तो मेरा नाम मिटा देना। अनलिमिटेड बुक करो, पढ़ो, आपका किसी भी हालत में कट ऑफ पार नहीं होगा। आज मां के देख लो, सदियों से होते हुआ है, आज भी होगा यही बात। इसलिए प्लीज पहले घटना चक्र को जी भर से जी लो। देखो ना, सारे आ रहे हैं टॉपर, सारी बात जैसे प्रीलिम्स की बात करते हैं सीधे घटना चक्र में वार करते हैं, और आप इतने बड़े बेकूफ कि देख के कॉन्ग्रेचुलेशन हमको लिखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, गॉड ब्लेस यू सर, क्यों लिख रही हो? अगर लिखना है तो अपना सक्सेस लिखो ना, पढ़ो ना इसको, बोल तो रहा चीख चीख के। सारे टॉपर से तो यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं पढ़ती हो, कहां कमी है? ऐसे हजारों सवाल जिंदगी पूछेगी आपसे, इसलिए प्लीज आपसे हार्टली गुजारिश है कि जिस महीना आपका एग्जाम होगा ये कम से कम 5 बार पढ़ लीजिएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये तो बिहार वाला है, बाकी घटना चक्र पूर्वावलोकन आप सबके टेबल पे होगा। आप ऐसा पढ़ जाइए कि उसका एक लाइन अगर कोई पूछे आपसे तो खटाक से जवाब निकलना चाहिए, सेकेंड भी देरी ना लगना चाहिए। और एक ही लाइन नहीं, उससे जुड़े हुए जितने भी टर्म है सबको समझा दो, सामने वाले को धड़कन को हिलाकर रख दो। और मेहनत तो करना पड़ेगा सुनामी जैसा, इसका कोई विकल्प अब नहीं है। भगवान के लिए हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, एज ए शिक्षक होने के नाते आप उल्टे सीधी बातों में समय मत बर्बाद कीजिए। कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, जो लोग नहीं बैठे एग्जाम में क्या उसको बैठेंगे? लोग यूट्यूबर मजाक कर रहे हैं आपके साथ में, समझो मेरी बात को। सारे लोग अपना धंधा बना के रखे हुए हैं, सारे सबके सब, लेकिन आपकी जिंदगी चौपट हो रही है। पहले आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच लो। और मैं बार बार हर बार एक ही बार बोलूंगा, एग्जाम चाहे सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, जब भी हो आपका एक सीट हो, आपका एक सीट हो। और इसके लिए आप अपनी जिंदगी में लॉकडाउन पहले लगाओ। ये बकवास वीडियो देखना बंद करो, क्योंकि जब तक आप देखोगे ये लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आप जैसे लोग फंसते रहोगे। अब तो 68 वाला भी फंसने लग गया, अब उसके भी शरीर के अंदर खुजली होना शुरू हो गई है। कब आएगा फॉर्म, आके क्या करेगा? तुम पास करोगे? तुम्हारी तैयारी है? कुछ नहीं है, 0/0, पता भी नहीं है कि कहां में जाना है, बस बैठे हुए लोग बनाने 68 में, इतना एसडीएम का पोस्ट, इतना डीएसपी का पोस्ट, इतना ये इतना वो, और हम पागल बनते जा रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ी तो सिचुएशन को समझो। बस जिस काम को करते हो ना दिल से करो, बैठ जाओ शांति से। जब भी आने का होगा फॉर्म आएगा, डेट आएगा, आप सीधा 4 विषय पे फोकस कर लो। रात दिन खाना पीना सोना उठना, बस यही जिंदगी हो। सुबह के ब्रेकफास्ट में करंट अफेयर उठाओ, धरकर रगड़ जाओ, चिबा जाओ, चिबा जाओ,
ब्रेकफास्ट में, लंच में, सीधा एक काम करना है, उठना है और हिस्ट्री को उठा के चिबा जाना है। हिस्ट्री को उठा के चिबा जाओ, स्नैक्स में बिहार स्पेशल को चिबा जाओ और डिनर में साइंस को चिबा जाओ। ये चार जो करेगा, दिल से कह रहा हूं, आंखें बंद करके कर रहा हूं, उसका रिजल्ट इस ब्रह्मांड में किसी के औकात ने रोक के दिखा दे। बाकी तमाशा करोगे, तमाशा होगा आपके साथ में और वो आप डिजर्व कर लो। समय बर्बाद हुआ तो समय ताना भी देगा, गाली भी देगा, आंखों में आंसू भी छोड़ेगा और समाज से बुरा भला भी कहलाएगा, कहलवा देगा, याद रखिएगा। बाकी सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, आपका अब इस वक्त से शुरू हो गया। थैंक यू, नमस्कार। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, मैं जवाब दे दूंगा।